आज सेट में बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अरसलान अशरफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने ये कुछ दिन इरफान जुनेजो की काफ़ी वीडियोस देखी और उससे काम के अलावा, काम तो बहुत अच्छा करते हैं वो, उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी वो काम अच्छा करते हैं। मैंने कहा है ये ना कह देना कि मैंने ये कर, मैं कभी करता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता अभी। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि क्या, आप कितना टाइम लेते हैं एक अपलोड करने में। रात उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, इन्होंने एक चैनल को ज़रा नोटिस किया, 78 वीडियोस के बाद उस बंदे के 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो वीडियोस बनाना तो लाजमी है, अभी कंसिस्टेंसी देखते हैं ना कि कितना आप अपलोड करते हैं, वरना कोई ना कोई आपकी जगह ले लेगा। आप चाहे आप जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, अगर आप वीडियोस बनाना छोड़ देंगे तो लोग आपको फॉलो करना छोड़ देंगे। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो इंशाल्लाह अभी मैं बनाऊँगा किसी ना किसी टॉपिक पे। तो अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं ज़रा नहा लूँ, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि किस बारे में आज की बात करनी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम के बाद। हाँ जी, तो जी वेलकम बैक। उसके बाद आज देखा आप थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश हुआ हूँ ऑब्वियसली। तो आज हम बात करेंगे कि मैं जो, जिसका मैंने नाम तो नहीं बताया था, मुझे नाम भूल गया, उस यूट्यूबर का जिसने 78 वीडियोस अपलोड की थी। तो मकसद ये है कि कहने का कि 78 वीडियोस बनाना तो काम है मुश्किल, 100 सब्सक्राइबर्स, लेकिन उसकी आप मतलब के हौसला देखें, उसकी हिम्मत देखें कि उसने फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना काम नहीं छोड़ना। अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक 47 है। तो अभी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और अभी मैं अगर अपने आप को खुद ही जज करके छोड़ दूँगा तो पता नहीं क्या होना होगा फ्यूचर में, जो नहीं होगा। इसलिए वीडियोस तो मैं अपलोड करता रहूँगा, वो तो डन है, मैं तो करता रहूँगा। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं पता कितने चाहिए और कब तक चाहिए, क्या टारगेट है मेरा, नहीं। मैं सिर्फ वीडियोस बना सकता हूँ और उसमें वीडियोस के अंदर तक मैं या अपने आप को पुश करूँ कि जी कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ ताकि लोग देखें। बाकी जो वीडियो अपलोडिंग तक मेरा काम है, उसके बाद वीडियो चलती है नहीं चलती वो बात के मसले होते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो तो बना रहा हूँ। और ये 14 अगस्त को हम बाहर निकले थे तो उसकी वीडियो में नहीं, मैंने कुछ दोस्तों को बताया, वो पूछ रहे हैं जी कि आई नहीं। उसका यह सीन हुआ है कि उस रात तो हम ज़रा लेट हो गए थे, इसलिए उस रात मैं एडिट नहीं कर सका। कल मैं कर रहा था तो अचानक से वो पता नहीं प्रोजेक्ट सेव हुआ नहीं हुआ, बस अब खुल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली उसको दोबारा एडिट करना पड़ेगा, तो वो वक्री मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है अभी। अभी आपने अगर ऊपर आना है, अपने आप को ऊपर लेके आना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अपने टाइम से भी टाइम निकाल के। तो बात फिर इस तरह आ जाती है कि वीडियो अपलोड करना मकसद है या अच्छी वीडियो तो आपकी होनी चाहिए, वो तो पहला नंबर है ना। तो दूसरा नंबर है आपकी वीडियो भी होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटी लगातार होनी चाहिए ताकि लोग आपके साथ इंगेज रहें। आप गायब हुए, व्यूवर्स भी गायब हुए। अभी जैसे कि मैंने तकरीबन तीसरी चौथी दफ़ा स्टार्ट लिया है और इस दफ़ा मैं अपने आप को एक बेहतर पोजिशन पर देख रहा हूँ और मैं अपने आप को कैरी कर सकता हूँ। ये मैंने अपने आप को समझाया हुआ है कि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, अब वीडियोस बनेगी। और जज करने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूँ कि ये मैं आधी बातें खुद को समझा रहा हूँ कि नहीं छोड़ना, वीडियो बनानी है। ये लोग सोच रहे होंगे
कि मैं अब इतना बड़ा गया यूट्यूबर हूँ कि फिर लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है कैसे करना है, वो मेरी जान, मैं बता भी रहा हूँ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मतलब मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, दोबारा याद करवा रहा हूँ कि भाई वीडियोस बनानी है सिर्फ इसलिए। और अभी मैंने नाश्ता करना है, और दिन के मामला तो मैं लोग को यहीं रैपअप करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं बाद में इसको कैरी कर सकूँगा कि नहीं। अभी इतने इतने ब्लॉग लेंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा मेरा मतलब कि हाथ खुलता जाएगा इस काम में, ब्लॉग लंबे भी होंगे और ज़्यादा बाहर वाले भी होंगे। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ एक चीज़ रहेगी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।